हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी नोट्स। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, जो कि आशीष सर ने ली थी सितंबर में, 24 सितंबर को। तो सर ने हमें बताया था इस चैप्टर में वो हमें पढ़ाएंगे पॉलिटी, स्टेट क्राफ्ट, जस्टिस, लॉ, गवर्नेंस एंड रोल ऑफ रिलीजन। उसके बाद आर्टिकल एंड सोशल ऑर्डर्स, फंक्शन ऑफ किंग्स, मतलब हिंदी में जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य व्यवस्था, शासन कला, न्याय, कानून विधि और शासन, और धर्म की भूमिका, श्रेणीबद्ध व्यवस्था और राजा के कार्य और सामाजिक कार्य। तो इसके बाद इसमें सर ने बताया था वेदास के बारे में, बताया था इस वाली क्लास में सर ने वेदास कितने टाइप्स के होते हैं, रिलीजन्स, कस्टम, सेक्रीफाइसेस, ये सब बताया गया था, है ना, उपनिषद, अनुयायी वगैरह के बारे में। और सर ने ये भी डिस्कस किया था इस वाली क्लास में ग्रेट एपिक्स के बारे में, जो कि थे हमारे महाकाव्य। महाकाव्य जो कि ग्रेट एपिक्स है, आपको भी पता होगा, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, पंचतंत्र हो गया, है ना। महाभारत के लेखक कौन थे, किसने लिखी थी, वेद व्यास जी ने लिखी थी, है ना। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। पंचतंत्र जो था वो विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, प्राकृति, ये पंचतंत्र के अंदर आते हैं। और सर ने कामासूत्र ग्रंथ के बारे में बताया था, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य की इच्छाओं के बारे में बताया जाता है इस वाले ग्रंथ में, है ना। चाणक्य की नीति के बारे में बताया था, जैसे कि आपको पता है चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य की बहुत ज्यादा फेमस बुक है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंदर सप्तांग थ्योरी के बारे में बताया सर ने, फुल्ली नहीं, फुल्ली डिस्कस नहीं करा, पर बताया था कि सप्तांग थ्योरी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, है। और जो हमारे वेदाज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देन यहाँ पे आ जाते हैं, सर ने जो हमें नोट्स बनवाए थे उसमें धर्म और दंड के बारे में बताया था। धर्म और दंड यानी कि राजा का धर्म और दंड। तो राजा अपने धर्म के प्रति, राजा को अपने जो भी कार्य करने चाहिए वो दायरे में रहकर शासन करना चाहिए, है ना। और दंड अपनी प्रजा को, जो जिस प्रकार दंड। उसके बाद इसमें मत्स्य न्याय, यानी कि मत्स्य न्याय यानी कि लॉ ऑफ फिश, उसके बारे में बताया था कि कैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इससे ये है कि हम पॉलिटिकल में इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल में हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो अपर कास्ट यानी कि ऊंची जाति के लोग हैं, जो वो छोटी जाति लोगों को खा जाते हैं, छोटी जाति के लोगों को खा जाते हैं, अपना दबदबा रखते हैं, क्योंकि वो अमीर लोग होते हैं और अमीर वर्ग हमेशा से छोटे वर्ग का शोषण करता हुआ आया, इस वजह से है। तो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के पीपल को खा जाते हैं। अपर कास्ट में आपको पता है ब्राह्मण वगैरह आते हैं ना, और लोअर कास्ट में भी आपको पता है शूद्रा वगैरह ये सब आते हैं, और इसमें अभिजात वर्ग वगैरह, है ना, ये सब के बारे में बताया गया। और एग्जाम्पल दिया था सर ने कि आज के टाइम पे जो अमीर लोग हैं वो टाटा बिरला, अंबानी, है ना, रिलायंस फाइनेंस, ये सब लोग हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया था सर ने हमें रोल ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स का क्या रोल है, आप देख सकते हैं महिलाओं की भूमिका और उनका कर्तव्य क्या थे उस प्रकार उस टाइम पे, है ना। और मनुस्मृति के बारे में बताया, मनुस्मृति मानव जाति की शुरुआत इसी से हुई थी, है ना। मनु जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे हमारे पहले जिन्होंने धरती पे जीवन लिया था, जैसे कि एडम इफ, आपने नाम सुना होगा एडम इफ का, तो ह्यूमन रेस को चलाने वाले वो पहले थे, और क्या कहते हैं, प्रोजिनेटर कहते हैं उनको, प्रोजिनेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो कि मनुस्मृति में है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सर ने क्या बताया था मनुस्मृति के बारे में। सर ने बताया था मनुस्मृति, मनुस्मृति में बताया था सर ने कि वुमेन हैज अ पावर, वुमेन के पास एक, मतलब औरत के पास एक ऐसी शक्ति है कि एक सर्वोत्तम पुरुष भी उसके सामने एक फूल मैन बन जाता है ना, बिकॉज ऑफ दी अट्रैक्शन पावर। क्योंकि मनुस्मृति से सर ने ये चीज बताई इसमें कि क्योंकि जो वुमेन होती है उसके पास ऐसी पावर होती है कि मेल जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस कारण से जो वाइस मैन भी होते हैं वो फूल मैन बन जाते हैं। और उसके बाद सर ने बताया था फादर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ, ठीक है। एलिमेंट्स बताए थे, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के आवश्यक तत्व, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हमारा, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, और आर्टिकल अब कितने हैं, 448 आर्टिकल है, और ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कैसा था,
टेरिटरी थी, पॉपुलेशन थी, सोवरेन थी, बाउंड्रीज थी, है ना, प्रभु सत्ता, यानी कि जो सोवरेन है उसको प्रभु सत्ता कहते हैं, टेरिटरी यानी कि भूभाग, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, और बाउंड्रीज है ना, जो सोवरेन है वो इनर सोवरेन और आउटर सोवरेन है ना, एक बाहरी और आंतरिक संप्रभुता। उसके बाद 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट आई, तो फर्स्ट क्लास में सर ने यही सब डिस्कस कराया था हमें, जो हमारी DSC 1 यानी कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास हुई थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें सर ने यही सब बताया था। सो फाइनली गाइज, ये नोट्स यहीं तक ख़त्म होते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे को ज़रूर बताओ, मैं आपको फुल नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, जो कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोल की क्लासेस में जो कि हमें पढ़ाया जा रहा है वही सब। सो यही सब हमें सर ने बताया था फर्स्ट क्लास में। सो ओके गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।